इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए, देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। सन 1602 में अकबर के दरबारी अबू फजल इनकी हत्या की गई। सन 1848 में रेलवे इंजन के शोधक जॉर्ज स्टीफनसन इनका निधन हुआ। सन 1919 में विक्रम साराभाई जो अणुवैज्ञानिक थे इनका जन्म हुआ। सन 1992 में नवल कथाकार चुनीलाल माड़िया इनका निधन हुआ। ध्यान रहे, आज अंतर्राष्ट्रीय युवक दिन है। सन 1912 में निर्माता दिग्दर्शक गुलशन कुमार दुआ इनका निधन हुआ। सन 1907 में इंद्रभुवन थिएटर में रिसले सर्कुलर इसके विरोध में सभा आयोजित की गई, स्थान था अमरावती। सन 1927 में सरदार भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त इनके सम्मान की सभा अमरावती में आयोजित की गई। सन 1930 में डॉक्टर पटवर्धन व डॉक्टर सोमन की अटक इसके कारण जनता ने सिटी कोतवाली को घेरा डाला और अंततः पटवर्धन की मध्यस्थता से जनता वापस गई, अन्यथा शायद सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन अमरावती का जला दिया जाता था। सन 1942 में सिटी सुपरिटेंडेंट इनके चेहरे पर शाही मल गई और कांग्रेस कमेटी की सील अमरावती की जनता ने तोड़ डाली। सन 1942 में चित्तूर आष्टी यावली में आजादी की लड़ाई में अनेक लोग जख्मी हुए। सन 1765 में मुगलों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनका दीवान पद अंग्रेजों को सौंपा। सन 1914 में तेजी हरिवंश राय बच्चन इनका जन्म हुआ। सन 1998 में सुप्रसिद्ध गायिका शमशाद बेगम इनका निधन हुआ। मेरे पिया, ओ मेरे पिया दे रंग, पिया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। इतिहास के पन्नों से इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें।